दोनों टकले होने जा रहे हैं आज। आज दादी का सतना है ना, है ना, सतनाना। हाँ इधर आओ। तो ये दोनों होंगे टकले। मुदित नहीं होगा क्योंकि मुदित छोटा है, तो उसके थोड़े से बाल कटेंगे ना। और चलो। अच्छा लग रहा है, ठीक हाँ, है चलो। हेलो एवरीवन, तो आज है बुधवार और आज दादी का कुछ प्रोग्राम है। अभी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है शुक्रवार को और आज है बुधवार। तो कुछ खाना पीना कुछ ऐसा ही कुछ और बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं ना, वही है। तो दादी एक्सपायर हुई है उस दिन से, आज हेयर वॉश किया है, नहाते नहीं है ना। तो नहाना स्टार्ट हो गया था 4-5 दिन बाद से, तो लेकिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो आज मैंने हेयर वॉश किया है। अभी हेयर एकदम ड्राई नहीं हुए हैं और मौसम कल से बारिश जैसा हो रखा है बहुत, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अजीब सा मौसम है, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं और सर्दियों का मौसम है तो कपड़े तो बहुत हो ही जाते हैं इस वजह से। और ऐसे मैं नहाते धोते भी नहीं हैं, तो 3-4 दिन तो नहाए नहीं थे। उसके बाद कुछ प्रोग्राम होता है उसके बाद फिर नहा लेते हैं, क्योंकि मेरा ये शादी के बाद फर्स्ट टाइम है इस वजह से। तो घर के सब लोग गए हैं मंदिर पर, कुछ हो रहा है वहीं, फिर उसके बाद होगा खाना पीना थोड़ा बहुत। आज यही सब चलता रहता है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरी मायके में दादी एक्सपायर हुई थी उस टाइम पर मैं रही नहीं थी, बस 2 दिन के लिए गई थी। और यहाँ पर तो स्थाई रहते हैं ना, इसलिए तो अब मुझे देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काम से फ्री होते हैं तो दादी आ रही हैं, दादी आवाज़ दे रही हैं, साधना क्या कर रही है, तो बस बहुत याद आ रही है। वैसे अच्छा हुआ उनकी एज हो चुकी थी, उनका जीवन सुधर गया, बट जो उनकी याद है ना वो कभी नहीं भूल सकते, बस उनको ही करके ना रोना आ जाता है बहुत। देखो हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, संकट तो उन पर ही पड़ते ना, अगर आगे कुछ होता तो। वैसे उनके नाती पोते हो गए, सब लोग हो गए, मतलब सब अच्छा है और उनकी एज भी थी तो कोई बात नहीं है, बट आगे उन पर कष्ट पड़ता, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। और जितने दिन के लिए आते हैं उतने दिन सेवा कर जाते हैं, बट मैं तो नसीब वाली हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका मिला, वरना बहुत से लोगों की तो दादी सास नहीं होती हैं तो उनको तो ये भी मौका नहीं मिलता। बट उनकी कुछ यादें हैं वो मैं नहीं भुला सकती, मतलब हर चीज़ हम उससे शेयर करती थी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, दिल की एक एक बात बोलती थी, जो अपनी बहू से नहीं बोल पाती थी वो मुझसे बोलती थी। सब लोग नहा लिए आज ना, सुबह नहाना था सबको, तो सर्दी का जैसा मौसम हो रखा है तो सब लोग नहा लिए सब लोग। और झाड़ू पोछा भी हो जाता है, वैसे ना ऐसे में झाड़ू पोछा नहीं होता है, तो 3-4 दिन झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हो गया था। और खाना पीना वैसे बनता है बट आज नहीं बन रहा है, आज मतलब बहुत सारा बनेगा ना इसलिए घर पे नहीं बन रहा है आज, इसलिए। मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं वीडियो भी नहीं देख रही हूँ, जब मैं वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा। और मेरी आँखें ऐसी हो गई थी, आँखों में जलन हो रही थी मेरी, आंसू निकल जाते हैं तो होता ही है। बस ऐसा लगता है कि सुबह हो गई, सुबह वो आई है साधना क्या कर रही है, मतलब कुछ चीज़ें हैं वो। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास उनकी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको मैं देख सकती हूँ, उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ, और मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, हमेशा कभी नहीं मैं हटाऊंगी कभी भी। मेरे फ़ोन में दिवाली की भी उनकी बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी दिवाली पे, तो सबको लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने अपने पास वीडियो रख ली हैं बहुत सारी। तो मैं सोच रही हूँ उस सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बना के सेव करके रख लूँ, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप ना गायब हो जाती हैं इसलिए। और आज दादी को गए हुए, दादी 22 तारीख को हम लोग आए थे, 22 तारीख को दादी एक्सपायर हुई थी,
रात में हम आए थे 7 बजे, अनिल ऑफिस से आए थे 6:30 बजे, वो एक्सपायर हो गई और उसके बाद हम रात में 3 बजे यहाँ पे आ गए थे। और फिर मंगलवार के दिन दाग लगा था, यानी कि दाग लगा था। और उसके बाद शुक्रवार के दिन जो सारी लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह आते हैं ना, वो ही आए थे। तब शुक्रवार तक कुछ नहाना धोना कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद अभी आज भी कुछ है पता नहीं, कुछ मैं तो नहीं जानती। और शुक्रवार को अभी, आज बुधवार है, शुक्रवार को फिर ब्राह्मण है। तो अभी तो बुआ वगैरह सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दादी के एक्सपायर होने के बाद भी, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप हैं जो कि मैं रख रही हूँ, मैंने रख ली अपने पास। अनिल ने बनाई हुई हैं बहुत सारे, मतलब मेरे देवर वगैरह हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपने पास रखूँगी वो सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं ना वो शेयर नहीं की जा सकती, जैसे ही दिवाली पे मेरी बहुत सारी क्लिप हैं जो दादी के साथ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हर चीज़ नहीं शेयर की जा सकती, इसलिए मैंने अपने पास रख ली। उन चीज़ों को देख देख के मुझे रोना आता है, बट कोई बात नहीं है। और थोड़ी सी धूप निकल आई है, मेरे हेयर थोड़े सूख जाएँ, ड्राई हो जाएँ तो मैं बांध लूँ, क्योंकि खुले भी नहीं रखते हैं ना हेयर, इसलिए मैंने फ़ोन भी हाथ में नहीं उठाया। मेरे दूसरे वाले फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे, बट इस वाले फ़ोन में नेट है तो मन नहीं लगता, थोड़ा उठा लेती हूँ और देख लेती हूँ। उस वाले फ़ोन में मेरा सब कुछ है, तो उससे मैंने किसी का रिप्लाई तक नहीं कर पाया है, मन नहीं करता यार। वैसे मैं उनके पास नहीं रहती हूँ, पर मैं उनके बहुत क्लोज थी, तो थोड़ा होता है ना, क्लोज नहीं होती तो इतनी नहीं आती मुझे। उनकी एज भी हो चुकी थी, अच्छा हुआ सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ अच्छे समय पे चली गई, वरना कौन उनकी करता ना, बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता है, ये बात फैक्ट है यार। बहुत चाहे आपके कितने भी बच्चे हों, बहुत लकी हो तो बोला नहीं है, वरना बुढ़ापे में आपका कोई साथ नहीं देता है, आप खुद आप अपने साथ ही होते हो, कोई नहीं किसी का साथ देता है। और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि सब लोग हैं तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से। चलो मैं अभी थोड़ा नीचे जाती हूँ, फिर पूड़ियाँ बनवाने जाना है, उधर चाची आई थी अभी, आज खाना बनाना नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब एक साथ बहुत खाना बनेगा ना, तो पूड़ियाँ बनवाने चल देंगे वहाँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, नींद नहीं आ रही और अजीब सा बेचैनी जैसा मन हो रहा है, और भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। आज देखती हूँ डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ। अनिल बोल रहे थे कल, पापा जी बोल रहे थे, मम्मी तो बोल रही हैं 4 दिन से कि चलो दिखा के आ जाओ दिखा के आ जाओ, बट मैं ही आलस कर रही थी कि नींद की वजह से भूख की वजह से ये सब हो रहा है। बट देखती हूँ आज जाऊँगी दिखाने, क्योंकि आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो आज हो रही है दादी की कर्मकांडी की पूजा, तो ये पीपल के पेड़ के नीचे होती है, तो ये छोटे वाले चाचा जी पूजा करवा रहे हैं। यहाँ एक मंदिर है हमारे यहाँ हनुमान जी का, वहाँ पे पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पे हो रही है पूजा। तो जो अग्नि देता है ना वही इस पूजा को करवाता है, तो छोटे वाले चाचा जी ने अग्नि दी थी दादी को, तो वही इस पूजा को करवा रहे हैं। तो इनको भट्ट बोलते हैं शायद, तो ये भट्ट यहाँ पे आज पीपल के पेड़ के नीचे खाना खाते हैं, तो ये खाना खा के चले जाएंगे, तभी सारे जो रिलेशन वाले आए हुए हैं कर्मकांडी की पूजा के लिए, 12-13 जन जितने भी जोड़े में होते हैं, तो वो और पंडित वगैरह वो खाना खाएंगे। पहले इनको खाना खिलाना होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे खाना खाते हैं ये। और वैसे माना जाता है पीपल के पेड़ के नीचे खाना खाना बहुत मतलब कठिन होता है, तो बस अभी खाना इन्होंने खा लिया है और ये अभी खटिया पे बैठेंगे, तो यहाँ पे मेरे देवर हैं तो वो बिस्तर लगा रहे हैं और अभी यहाँ पे बैठेंगे और एक और कुछ काम है वो करेंगे, और उसके बाद फिर सारे लोग बारी बारी से पैर छुएंगे। और यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ रिलेशन वाले हैं जो मंदिर पर पूजा करवा रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ में है, तो यहाँ पे इन्होंने चाचा जी के अंगूठे बांध दिए हैं। तो पहले ये पैसे लेंगे अपनी दान दक्षिणा, उसके बाद उसको देख सकते हो आप खोल रहे हैं वो। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं, मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है, क्योंकि
मायके में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। शादी के बाद मेरी दादी एक्सपायर हुई तो उसके बाद मैं वहाँ पर रही नहीं थी, और अभी ससुराल में ये सब देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है चाचा जी को और उनको दक्षिणा दे दी गई है। तो अभी ये इनको ढक दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं। और पता है सब लोगों की टकली भी हो गई है, अनिल की, लक्ष्य की, बस मुदित की नहीं हुई है, सब लोगों की हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो ये लोग साफी लगाए हुए हैं, तो कोई टोपा लगाया हुआ है तो दिख नहीं रहा है। मैंने लक्ष्य को बोल दिया था कि सब लोग करवाना बेटा, दादी बार बार नहीं आती हैं और बाल निकलवाना अच्छी बात होती है। तो अभी अनिल ने भी सब लोगों ने निकलवा दिए हैं और यहाँ पर बारी बारी से जितने भी हमारे परिवार के चाचा ताऊ और ये मुदित है, देख सकते हो आप। तो मुदित के हेयर कट नहीं हुए हैं क्योंकि छोटा था वो और जा नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। तो अभी देख सकते हो आप अनिल भी आ गए हैं और सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं है ना, इसलिए। और सब इनके पैर दबा रहे हैं। तो अभी उसके बाद सारी लेडीज आई हैं तो इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। तो बारी बारी से अन्न का दान बोलते हैं ना, तो रुपए भी दे रहे हैं और अन्न का दान भी। वैसे बोलते हैं रुपए का दान इतना अच्छा नहीं होता है जितना अन्न का दान होता है। तो यहाँ पर ये मेरी सासू माँ है पिंक साड़ी में, तो सारे लोग यहाँ पर बारी बारी से इनको पैसे दे रहे हैं और पैर छू रहे हैं। ये मैं हूँ, आप लोग पहचान ही गए होंगे, हालत कुछ ख़राब है थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं है, होता है ना, क्या करूँ। भले ही बुजुर्ग थी बट होता है ना, कुछ यादें हैं उनको नहीं भुला पाते हैं, कोई बात नहीं, समय रहते वो भी भूल जाते हैं ना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आती है सबको, और मेरे से ज़्यादा क्लोज थी इसलिए मुझे ज़्यादा आती है। और सारे लोग टकले हो चुके हैं तो एक दूसरे को लक्ष्य ना चढ़ा रहा था, आप टकले हो, लक्ष्य खुद भूल जाता है कि मैं खुद भी टकला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरी चाची सास छोटी वाली, सब लेडीज थी हमारे परिवार की बहुएं थी, वो सब लोगों ने पैर छू लिया है। और अभी ये नेक्स्ट डे, उस दिन मैंने उतनी ही वीडियो बनाई थी, नेक्स्ट ये है सुबह का समय और आज हमारे यहाँ बन रही है कड़ी। कल तो खाना वहाँ बना था, इकट्ठा बना था, और अभी आज हमारे यहाँ कड़ी बन रही है। तो पहले मैं कम कड़ी बना रही थी लेकिन फिर बुआ वगैरह बहुत सारे लोग हैं और एक परिवार में चाची, उन्होंने भी बोला कि हमारे लिए भी बना लेना। तो बस मैं यहाँ चूल्हे पे बना रही हूँ कड़ी एकदम बाल्टी भर के। और चूल्हे पे कड़ी इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ी सर्दी का मौसम है और धूप भी है, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर ही बना लेते हैं। और इतनी ज़्यादा कड़ी चूल्हे पर सही से बन जाएगी, गैस पर इतनी अच्छे से नहीं बनेगी, बहुत टाइम लेगी। तो इसमें मैंने जैसे कड़ी की, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, मैंने कड़ी की रेसिपी भी शेयर करी है आप लोगों के साथ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे उबाल आ रहा है, जब तक बहुत अच्छे से उबाल नहीं आ जाएगा तब तक कड़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इसमें मैं अच्छे से उबाल ले आऊँगी, उसके बाद हमारी कड़ी बन के हो जाएगी तैयार। और आजकल ना ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं करता है इसलिए, बट प्रॉपर जल्दी ही मैं करूँगी ब्लॉगिंग स्टार्ट फिर रेगुलर। और अभी आप लोग देख सकते हो कल जो प्रोग्राम था उसके बर्तन थे, तो ये अनिल टकले हुए हैं और मेरे ये देवर हैं चाचा ससुर के लड़के, तो वो दोनों बर्तन साफ कर रहे हैं बाहर क्योंकि बड़े ज़्यादा खाना बना था ना इसलिए। तो अभी उसके बाद अभी होंगे ब्राह्मण बोलते हैं क्या बोलते हैं वो होंगे शुक्रवार को, तो उसमें बहुत ज़्यादा खाना होता है, बहुत सारे गाँव का खाना होता है, तो वो होगा। तो आजकल तो यही चल रहा है लाइफ में, और कुछ चल ही नहीं रहा है।